हमें कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसे ले लेते हैं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा, हम लोग यहाँ ले लेंगे ए का वैल्यू, देखिए 2 1 -1, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट 1 -3 2 1 4 -3। अच्छा, और एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड वाला एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 7 1 5 एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं, आर वन के अकॉर्डिंग चलते हैं, 2 लेते हैं, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे, माइनस का 3 2 4 -3 -1, ये रहा ये कॉलम हटाएंगे आएगा 1 2 1 -3 प्लस माइनस का 1। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये रहो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटरमिनेंट 1 -3 1 4। ठीक है, चलिए तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, 2 × 9 - 8 - 1 × -3 - 2 - 1 × 4 + 3, तो हो जाएगा 2 × 1 - 1 × -5 और फिर 1 - 1 × 7, तो 2 + 5 - 7 जीरो आ जा रहा है। तो ए का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आ गया, अब इसका एडजॉइंट निकालना होगा। तो हर एक एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालते हैं, C11 ये पॉजिटिव होता है, ये और ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 9 - 8 1 आ जाएगा। C12 ये आपका निगेटिव होता है, ये और ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो -3 - 2 प्लस का 5 आ जाएगा। C13 ये आपका पॉजिटिव होता है, ये और ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू 4 + 3 7 आ जाएगा। अब इसके बाद C21 ये आपका निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -3 और + 4 - 1 आ जाएगा। फिर C22 ये आपका पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, कॉर्नर वाले एलिमेंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो -6 और + 1 - 5 आ जाएगा, है ना जी। चलिए अब आगे इसके देखते हैं, C23 निगेटिव होता है, या इसके बाद ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 8 - 1 यानी -7 आ जाएगा। चलिए C31 पॉजिटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 2 - 3 - 1 आ जाएगा। C32 निगेटिव होता है, ये रहो ये कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो 4 + 1 - 5 हो जाएगा। C33 पॉजिटिव होता है, ये रॉयल कॉलम हटेंगे, इन चारों का डिटरमिनेंट वैल्यू, तो -6 - 1 - 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, मीन सभी को फैक्टर को सजा कर फिर उसका ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, 1 5 7 - 1 - 5 - 7 - 1 - 5 - 7 का ट्रांसपोज निकालेंगे। 1 5 7 - 1 - 5 - 7 - 1 - 5 - 7, तो अब लिख सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 1 - 1 - 1 - 5 - 5 - 5 - 7 - 7 - 7, और इंटू में बी का वैल्यू एक कॉलम मैट्रिक्स है जहाँ पर दिया हुआ है 715 715। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 7 - 1 - 5, और सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 35 - 5 - 25, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 49 - 7 - 35। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स नहीं ना है, तो देयरफॉर यहाँ पे इसके नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो गया एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में मैट्रिक्स बी जो है यह जीरो मैट्रिक्स नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसका क्या कहेंगे कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन होगा यानी कि जीरो सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर